हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्री अपनी जान के और सेहत के खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो नया फरमान जारी किया है उसके बाद बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप ख्याल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सरकार ने रोडवेज की बसों में एक साथ 50 से ज्यादा यात्रियों को बिठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बसों में और बस स्टैंड पर यात्रियों की पूरी भीड़ नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के रोडवेज की बसों को फुल कैपेसिटीज के साथ चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब कोरोना काल में पहली बार रोडवेज की बसों में 50 से ज्यादा यात्री एक साथ सफर करते नजर आएंगे। सरकार के इसी फरमान के बाद अंबाला छावनी बस स्टैंड पर बसों के अंदर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नए नियम टूटते नजर आए। लाजमी है कि अब जब बसों में 50 से ज्यादा यात्री सफर करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग होना संभव नहीं है। वहीं रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि वो मुख्यालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। बसों को 52 सीटें बिठा के फुल करके चलाओ, और जो जैसे ही मेल आई है आज से उसका पालन कर दिया गया है। बसें बुला के फुल कैपेसिटी में चलाई गई हैं। बाकी डिपो के जीओ में तो ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये यहाँ बाड़ा भी अभी ऑर्डर हो जाएंगे और साथ ही इनको फुल पे चला जाएगा। जिन लोगों के पास सफर करने के लिए अपने संसाधन नहीं है, उन्हें मजबूरी में रोडवेज की बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ यात्री सरकार के इस फैसले को जल्दबाजी बता रहे हैं, तो कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है, और ये फैसला भी सरकार ही जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। 52 सीटें भरने की परमिशन दे दी है सरकार ने, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है? नहीं, अभी नहीं भरनी चाहिए। जैसे अभी चल रहा है ना, फॉलो कर रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो अभी चलना चाहिए, अभी नहीं। बहुत ये सरकार का फैसला है, जो सरकार का कहूँगा उस जनता को मानना पड़ेगा जी। नहीं, ठीक है, गलत नहीं, ये तो सरकार ही जानती है जी। सरकार के इस फैसले को लेकर हमने प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज से बात की। अनिल विज ने कहा कि कोरोना के मरीजों का इलाज और देश दोनों हम साथ साथ चला रहे हैं। नहीं, अब दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है और देश भी चल रहा है, इसलिए दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।